निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला भाग है 27y³ + 125z³। आइए हम इसे हल करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका क्यूब बनाऊंगा प्रॉपर, अभी ये क्यूब नहीं है। कैसे बनेगा? परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, इसको पूर्ण घन बनाएंगे। इसके लिए मैं यहां एक क्यूब लिखता हूं, तो अब देखेंगे ये वाई क्यूब है तो ब्रैकेट के अंदर वाई डाल देंगे ताकि वाई का क्यूब बन जाए वाई क्यूब। अब यहां क्या नंबर लिखें जिसका क्यूब बनेगा 27? सोचो आप किसका क्यूब 27 होगा? 3 का, 3 × 9 × 27, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दो तो 3 का क्यूब हो गया 27। इसका मतलब यह है कि 27y³ को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब। होल क्यूब मतलब 3 का भी क्यूब और वाई का भी क्यूब, ठीक है। ऐसे ही यहां देखते हैं, यहां भी मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां क्यूब लगा दूंगा तो यह जेड, ऐसे ही जेड अंदर आ जाएगा तो जेड का क्यूब बन गया जेड क्यूब। दूसरी बात 125, किसका क्यूब 125 होगा? 5 का, 5 का क्यूब होगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। तो 5 का क्यूब है 125, जेड का क्यूब है जेड क्यूब। तो अभी हमारे पास आ गया 3y³ + 5z³। होल क्यूब मतलब 5 का भी क्यूब और जेड का भी क्यूब। तो बच्चों हमारे पास एक सर्वसमिका होती है a³ + b³, जो अपने पिछले क्वेश्चंस में सीखी है, क्वेश्चन 9 में a³ + b³ = a+b × a²-ab+b² के, ठीक है बच्चों। ये हमने सर्वसमिका सीखी हुई है, इसी सर्वसमिका का हम अब प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, तो 3y³ जो कि अभी हमने निकाला था और 5z³। तो यहां से देख रहे हैं a किसके बराबर आएगा? a का क्यूब 3y³। तो a किसके बराबर आया? 3y के। b किसके बराबर आया? 5z के। तो बस इसमें a की जगह 3y, b की जगह 5z लिख दो। a की जगह लिखना है 3y + b की जगह लिखना है 5z। अब यहां ना बड़ी ब्रैकेट डाल लेना अभी, क्यों? क्योंकि यहां छोटी छोटी बहुत ब्रैकेट्स आएंगी। देखो a का स्क्वायर, a कितना है? 3y, 3y का स्क्वायर, तो आगे ना छोटी ब्रैकेट, इसलिए यहां बड़ी डाली है शुरू में, बाद में हल कर लेंगे। माइनस a, a कितना है? 3y, b कितना है? 5z, प्लस b² कितना है? 5z, तो b² मतलब 5z का होल स्क्वायर। अब हम इसे हल करेंगे। पहली ब्रैकेट ये असमान पद है, यहां y है यहां z है, ये आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते, तो इनको ऐसे लिख लो 3y + 5z। इस रकम को हम होल सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, y² −×+−, 3 × 5 = 15, y × z (yz) + 5 का स्क्वायर होता है 25, z का स्क्वायर होता है z², ठीक है। अब देखो यह है y, यह है z, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। यह है y², यह है yz, यह है z², ये भी असमान पद हैं, तो ये भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। हमें क्या करना था? इस रकम का गुणनखंड निकालना था, गुणनखंडन करना था। गुणनखंडन का मतलब दो ऐसी ब्रैकेट्स जिनको गुणा करने से ये आए, तो ये निकल गई। इसका मतलब ये जो स्टेप है यही 27y³ + 125z³ का गुणनखंडन है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो हमारे वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करना। धन्यवाद।